गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। राजएसएससी के प्रीवियस लेटेस्ट 2021 के पेपर के साथ आप लोगों के बीच। और पहला ही क्वेश्चन है, बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? बताइए, बसाई एक विलेज है जो गुरुग्राम में है, जो गुड़गावा जिले में है। तो बसाई वेटलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? भाई ये तो है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अब पूछा है दूसरा क्वेश्चन, विच इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की विधिक राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने, जयवर्धने के नाम बारे में तो आपने सुना ही, श्रीलंका के क्रिकेटर रहे हैं जयवर्धने, महिला जयवर्धने। और श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, श्री जयवर्धना पूरे कोट्टे जो है श्रीलंका की विधिक राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे श्रीलंका की राजधानी, विधिक राजधानी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से की अवधि के लिए कार्य करेगी, यानी कब तक कार्य करेगी, यानी कार्यकाल पूछा है। तो कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष होता है प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल। और अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है और ये एक मानव निर्मित झील है, यानी मानव निर्मित झील है ये, और ये झील कौन सी है? भाई बताइए कौन सी झील है मानव निर्मित? करण झील, दमदमा झील, बड़खल झील या फिर अथिनी कुंड झील? तो बड़खल झील है सही आंसर, बड़खल झील। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? भाई फरीदाबाद में। बड़खल झील किस जिले में है? फरीदाबाद में है बड़खल झील। करण झील करनाल में है, करण झील कहाँ पे है? करनाल में है। और दोस्तों दमदमा झील बहुत बार पूछा गया, सोहना गुरुग्राम, दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हथिनी कुंड झील, अभी आप मुझे बता दीजिए कि हथिनी कुंड झील हरियाणा के किस जिले में है, जल्दी बताइएगा, कॉमेंट कीजिए हथिनी कुंड झील किस जिले में है। तो यहाँ से हमने सीखा है कि ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, एनएचएसएससी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं नहर नदियाँ सिंचाई वाले और जो झीलें हैं। नेक्स्ट है, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है? 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज, ये तो बहुत आसान सवाल है, 5 नंबर। 252 को अभाज्य के गुणनफल, तो कैसे? 2 और 2 की मल्टीप्लाई, 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 और 7 की कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 6 42 का 2 और 7 3 21 और 4 25, 252 बाकी नहीं बनता, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो दोस्तों निर्वाचित होकर हरियाणा में कितने आते हैं? 90। 90 में से रिजर्व कितनी है सीटें? एससी के लिए 17 सीटें हैं, यानी हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, 90 कुल विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, 17 हैं रिजर्व, 17 सीट कह सकते हो रिजर्व, और 17 जिले में है एक एक सीट, प्रत्येक जिले में 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर जब पूछे जाएंगे तो नड़वा से हैं श्री रणबीर नड़वा, तो नड़वा से विधायक हैं जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, और स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि कहाँ से हैं? पंचकुला से विधायक हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा इससे प्रश्न पूछा है, क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्र की आवेश की गणना कीजिएगा। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाई ए 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम, क्वेश्चन नंबर 7 साइंस से पूछा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये साइंस से तभी आप निकाल पाते हैं जब आप लोगों को पूरी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पता होंगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, इंपॉर्टेंट खास करके जब यहाँ पे पूछा है क्रोमियम का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, जैसे हमें 3d का ही पूछा हुआ है, तो जेड इफेक्टिव हमें निकालना है। जेड इफेक्टिव जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, जेड होता है एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे इसका दिया हुआ है 24, माइनस में 4 × 3.5 हो जाएगा, सॉरी 0.35, माइनस में 18 माइनस 1। तो एक फॉर्मूले बेस अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो, अदरवाइज सीधा इसका आंसर जिसको कैलकुलेट जब आप लास्ट में कर लेंगे तो 4.60 आएगा, 4.60।
अगर आप चाहेंगे तो इसको अलग से कल की ही क्लास में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं तो ये हम लोग कल सीख सकते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या हरियाणा में 22 है, और सबसे नवीनतम जिला कौन सा है दोस्तों? चरखी दादरी। चरखी दादरी क्या है? सबसे नवीनतम जिला है चरखी दादरी। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों के क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? कौन सा है जो पूर्ण करेगा भाई? ऑप्शन है PNOM, MNO, यानी आपको सीरीज ये बना के देखनी है। इस तरीके के केस में हम लोग अगर सीरीज को यहाँ से देखते हैं, देखिए ONP हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर O हो तो ये बन जाता है ONP, तो यहाँ पे अगर O हो N हो तो ये भी बन जाता है ONP, यहाँ पे ON है, यहाँ पे अगर हो P, तो एक पूरी सीक्वेंस यहाँ से बनती है ONPM, ONPM, ONP, और उसके बाद क्या आएगा M, यानी एक सीरीज बनती है यहाँ पे। अगर तो हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पे क्या है, ओ होना चाहिए, तो ओ है, फिर एन, फिर पी, तो ओ एन पी इसमें है, और एम ओ एन पी, तो एम हो जाएगा पहले नंबर पे, एम ओ एन पी, एक सीक्वेंस बन रही, देखो एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, तो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? पहले ही क्लास हरियाणा जीके की उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर जितने विद्रोह हुए हैं खास करके वो जरूर पढ़िए, और हरियाणा की जो लड़ाइयाँ हैं, हरियाणा की जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं उनको करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ जरूरी बातें भी हैं, वो साथ साथ हम लोग करते चलते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कि जब गजनवियों ने, गजनवियों का मतलब यहाँ पे महमूद गजनवी है, और उसके बाद उसका पुत्र आया था महमूद गजनवी के बाद, मसूद ने भी हमला किया, फिर मादूद आए, तो ये तीनों अलग अलग आए, और तीनों के समय एक ही वंश का शासक रहा था, पुष्यभूति, गुप्त, तुगलक, और उनमें से था लास्ट वन तोमर। तो किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था। गजनवियों का मतलब है कि अलग अलग थे, पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने, फिर उसके बाद उसका पुत्र आया था जिसका नाम क्या था? मसूद, जिसका क्या नाम था? मसूद, और उसके बाद मसूद, और उसके बाद उसका बेटा आया था मादूद। इन तीनों ने हमला किया था, और जहाँ तक मोहम्मद गजनवी की बात है तो 1009 और 1114 में इसने हमला किया था थानेसर पर। कहाँ पे हमला किया था? थानेसर पर हमला किया था, और उस समय जो शासक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखने हैं कि उसके समय शासक कौन थे? जयपाल, तोमर नरेश जयपाल का शासन था। किसका शासन था? जयपाल का शासन था। उसके बाद महमूद गजनवी के बाद 1037 में, कब? 1037 में, यहाँ महमूद गजनवी ने 1009 आपने देखा होगा, 1014 में हमला किया था, मसूद ने 1037 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण किया था। उस समय किसका राज था भाई? किसका शासन था? कुमारपाल देव का। किसका शासन था उस समय? कुमारपाल देव का। और मादूद ने 1043 में आक्रमण किया था, 1043, नोट कर सकते हैं, 1043 में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया था, और उस समय तोमर शासक थे कुमारपाल देव ही। उस समय भी कौन थे? कुमारपाल देव ही उस समय शासक थे। तो अन्य शासकों की मदद से इन्होंने मादूद को पराजित कर दिया था भाई, मादूद को पराजित कर दिया था। तो दोस्तों गजनवियों में क्या याद रखना है? महमूद गजनवी, उसके बाद उसका बेटा आया मसूद, और उसके बाद सॉरी पोतर था ये, और उसके बाद बेटा आया था मादूद। तीनों ने, सबसे पहले महमूद गजनवी की बात की जाएगी तो कहाँ पे हमला किया था? थानेसर पे। इनकी बात की जाए तो कहाँ पे हमला किया था भाई? हांसी पर। और शासक उस समय तीनों के समय कौन थे? तोमर वंश के शासक थे। मोहम्मद गजनवी के समय कौन थे? जयपाल, और मादूद और मसूद के समय कौन थे? कुमारपाल देव। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का कौन सा भाग कहलाता है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, और क्या डेफिनेशन है भाई? परिवहन संख्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड परिवहन संख्या, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर, या फिर हिट्रोफ नंबर के नाम से भी जाना जाता है, HITROF, हिट्रोफ नंबर। हिट्रोफ नंबर या परिवहन संख्या, ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है उस फ्रैक्शन को जो टोटल करंट कैरीड किया जाता है एक आयन के द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना बताइए, काकरोई, खेदड़, झज्जर, यमुनानगर। और दूसरी बात, इसे अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अरावली
अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना या फिर इसे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हरियाणा के किस जिले में है भाई बताइए, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले में है। इंदिरा गांधी और दूसरा झज्जर में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी कहाँ पे है भाई, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी झज्जर जिले में है। ये दोनों झज्जर जिले में है, दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना है, जबकि अरावली सुपर तापीय परियोजना जो है ये 1500 मेगावाट की है भाई। दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। काकरोई सूक्ष्म परियोजना अलग ही है, काकरोई सूक्ष्म परियोजना जो है सोनीपत में है, काकरोई सूक्ष्म परियोजना जो है कहाँ पे अभी सोनीपत में है, और जल विद्युत परियोजना है 100 किलोवाट की क्षमता की। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा के सोनीपत जिले में है, और खेदड़ वाले को तो आप जानते ही हैं, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो हिसार में है, कहाँ पे है हिसार में, 1200 मेगावाट क्षमता की है भाई, 1200 मेगावाट क्षमता है इसकी। और इस परियोजना को जो कोल है, जो कोयला, वो कहाँ से, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से इसको प्राप्त होता है। और उत्तरी भारत का जो कहा गया है इसको मेघा परियोजना, उत्तरी भारत की मेघा परियोजना घोषित किया गया है खेदड़ के जो है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है वर्तमान में बताइए, लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जो है वर्तमान में 17वें लोकसभा के स्पीकर हैं। और ये किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो कोटा से, किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, राजस्थान के कोटा से हैं अभी सांसद ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। और जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन बी आप लोग, मीरा कुमार आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की हैं मीरा कुमार। सुमित्रा महाजन इनसे पहले ही थी, ओम बिरला से पहले कौन थी, सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा का एक सितारा स्मारक की समाधि है, ये बताइएगा अभी, क्या ये आपने पहली बार सुना है या नहीं, तो फटाफट से मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कीजिए कि हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी उपाधि है, नारायण स्वामी, शिवाजी, गोविंद सिंह जी, ताराचंद जी महाराज। तो पहले सुना है, पहले पेपर में ये क्वेश्चन, बिल्कुल, हरियाणा का जो सितारा स्मारक है ताराचंद जी महाराज, ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है, और ये भिवानी जिले में है भाई, कहाँ पे है, भिवानी जिले में। पेपर में पूछे कि सितारा स्मारक कहाँ पे है, तो क्या आंसर होगा, भिवानी जिले में है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है। तो दोस्तों ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स में यूनिट मापने की इकाई होती है ना, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, वो स्टैंडर्ड जिसका इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए किया गया है उसको कहते हैं यूनिट। जैसे वजन किलोग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, और फोर्स को हिंदी में बल कह देते हैं ना, फोर्स, फोर्स की CGS, CGS आप देख रहे हैं, CGS एक यूनिट का सिस्टम आया था पहले CGS, और अब हम लोग SI सिस्टम पढ़ रहे हैं, CGS सिस्टम, SI सिस्टम। C से मतलब था सेंटीमीटर, G से मतलब था ग्राम, और S से मतलब था सेकंड, जो तीन फंडामेंटल यूनिट थी ना, मास, लेंथ और टाइम, इनके लिए CGS। फिर FPS भी नाम सुना होगा, फुट, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, CGS, SI सिस्टम, दोनों में फोर्स की यूनिट पता होनी चाहिए। तो फोर्स को किस में मापा जाता है अभी, SI यूनिट तो है न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, और फोर्स की जो CGS यूनिट है वो क्या है भाई, डाइन, क्या डाइन फोर्स की जो है वो CGS यूनिट है। तो पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है, CGS यूनिट डाइन, ऑप्शन डी होगा। और पेपर में ये पूछ ले कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। ये तो फोर्स का पूछा है, ये तो फोर्स का पूछा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क, हिंदी में कहते हैं कार्य, कार्य की जो CGS यूनिट है और SI यूनिट है दोनों पता होना चाहिए। अर्घ, दोस्तों अर्घ जो है CGS में है, याद कर लीजिए, अर्घ CGS में है, जबकि जूल, जो जूल है वो किस में है, SI सिस्टम में, यूनिट है किसकी, वर्क की। और 1 जूल जो है 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, रानिया विधानसभा क्षेत्र, तो रानिया विधानसभा के
विधानसभा क्यों सिर्फ रानिया, ऐतिहासिक स्थल रानिया किस जिले में आता है, ऐसा करके कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है। सोचने की जरूरत नहीं है, सिरसा जिले में आता है। सोचने की जरूरत ये है अब आपको कि ये रानिया जब पूछा ही गया है और जब सिरसा का जिक्र हुआ है तो दो बातें बताइएगा कि रानिया विधानसभा से वर्तमान में विधायक कौन है और सिरसा की रिजर्व सीट कौन सी है, सिरसा जिले में कौन सी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। अगले प्रश्न पे, हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं, 5 जाते हैं। और दोस्तों लोकसभा के लिए कितने जाते हैं, 10 सदस्य जाते हैं, और इन 10 में 2 सीटें जो है वो रिजर्व में आती हैं एससी के लिए, है ना। वो 2 सीटें कौन सी है रिजर्व में, एक है सिरसा और दूसरी सीट कौन सी है अम्बाड़ा, एक है सिरसा और दूसरी सीट है अम्बाड़ा, ये दोनों आती हैं लोकसभा की रिजर्व सीट। हरियाणा में 5 सदस्य मनोनीत होते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। और वो आंकड़ा जो इस पेपर में पूछा ही गया है, विधानसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 90। तो तीनों आंकड़े पता हूँ, 90 विधानसभा में, 5 राज्यसभा में और 10 लोकसभा में। 90 में 17 रिजर्व हैं, 10 में 2 रिजर्व हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को दर्शाते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, लार्जेस्ट क्या होता है, सबसे पहले किस में स्पीड आती थी, केबी में स्पीड आती थी। सबसे पहले किस में स्पीड, यानी डाटा हम लोग करते थे या कोई फोटो डाउनलोड करते थे वो किस में करते थे, केबी में करते थे। केबी के बाद फाइल बड़ी होती चली गई एमबी में, उसके बाद फाइल बड़ी होती चली गई किस में, जीबी में, उसके बाद फिर किस में हुआ, टीबी में, यानी टेराबाइट। तो सबसे बड़ी मात्रा दिखाता है टेराबाइट, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया जब ऑप्शन बी दिखा, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला, धर्मवीर कौन थे दोस्तों, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल हुए। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, देखिए दोस्तों सबसे कम पूछा है, ग्राम पंचायतें सबसे कम हरियाणा के किस जिले में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में किस जिले में सबसे कम है, फरीदाबाद या फिर पंचकूला, किसे कहेंगे आप सही आंसर की, किस जिले में है सबसे कम ग्राम पंचायतों की संख्या, दो ही ऑप्शन में से बता दे दिया, फरीदाबाद या फिर पंचकूला, तो फरीदाबाद में सबसे कम है भाई, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, कुल 128 ही तो गांव हैं फरीदाबाद में। और अब यहां से अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं जिसमें ये हो कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हरियाणा के किस जिले में हैं, ऑप्शन एक है आपका यमुनानगर, ऑप्शन ये बिल्कुल डिटो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना ये पेपर का है एचएसएससी का, यमुनानगर अम्बाड़ा करनाल और भिवानी, तो किस में है भाई सबसे अधिक ग्राम पंचायतें, तो सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर अम्बाड़ा करनाल और भिवानी, ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा फिर किस में है, जल्दी से कमेंट कीजिए बताइए। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग यहाँ से चार बातें सीख जाएंगे कि सबसे कम किस में, सबसे ज़्यादा किस में है, और पंचायतें और ग्राम सभा के बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे, वो चीज़ें लंबे समय तक आपके याद भी रहेंगी, ऐसा नहीं एक बार बताने से सब चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषम संख्यात्मक चुनना है आपको, यहाँ से बताना है कि कौन सा विषम है, 83, 75, 49, 42, 25, 17 या फिर 58 और 50, तो कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 75 + 8 83 हो रहे हैं, 50 + 8 58 हो रहे हैं, 17 + 8 25 हो रहे हैं, और 42 + 8 50 होते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। पानीपत का युद्ध देखिए कल पेपर में था, आज पेपर में है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं हमें। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था कब, पानीपत का दूसरा 1556 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। और 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद सबदाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तो तीनों लड़ाइयाँ, इसके साथ तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि जितने हरियाणा के इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं, विद्रोह हैं, उनको अच्छे से दिमाग में सेट हमें करना है। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है, मानेसर, फरूखनगर, पटौदी और कोसली में से कौन सा जो है गुरुग्राम की तहसील नहीं है, तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, मानेसर है, फरूखनगर है, पटौदी भी है, तो कोसली नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कोसली नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है पेपर में, आपको पता है अगर आपने रेगुलर पेपर किए हैं देखे हैं, तो कोसली जो है रेवाड़ी जिले की तहसील है, किस जिले में आता है कोसली, रेवाड़ी जिले में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे साइंस से फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा है अच्छे लेवल का, ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, ए के किस मान के लिए तरंग धैर्यता 650 NM के लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम
थीटा 15 डिग्री पर होगा, साइन 15 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी है। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी यहाँ से ए की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि आएगी एन लेमडा अपॉन में साइन थीटा, और वन इंटू में लेमडा यानी वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 650 नैनो, नैनो का मतलब यहाँ पे लगाएंगे 10 की पावर -9, और थीटा साइन 15 की वैल्यू दी हुई है 0.2588। जब कर लेंगे इसको सॉल्व तो आंसर आ जाएगा 2.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है और उसको क्या कहते हैं। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है उसको क्या कहते हैं भाई बताइए, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाएगा इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने वाला एक प्रोटोकॉल जो है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है, दूसरा सत्र कौन सा है भाई, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत। तो ये तो आप बता ही देंगे, पंचायती राज के तीन लेवल हैं जो कि विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किस लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे, उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे क्या होती है भाई पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जबकि जिला पंचायत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम है अपने हरियाणा में, और तीनों का लेवल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिएगा, 5, 10, 30 बनता है 10, इस तरीके से यहाँ पे बताना है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ से एक सीक्वेंस सीरीज फॉलो हो रही है, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30, 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ अगर हो 2 तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, बताइए शिवालिक की पहाड़ियों से, हर पेपर में हम लोग ये करते आ रहे हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से बताइए कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी है, दोहन नदी है, मार्कंड नदी है या फिर घग्गर नदी है। तो ये हमने कल के पेपर में भी करा था और पीछे भी 3-4 बार हम लोग ये कर चुके हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों में से नहीं है पूछा, ये ध्यान देना है। कल के पेपर में हमने करा था कि घग्गर नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, करा था ना हमने कि घग्गर नदी है एक बरसाती या मौसमी नदी है जो कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद हम लोगों ने टांगरा और मार्कंडी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, टांगरी नदी और मार्कंड। दोहान नदी बहुत आसान आंसर हो जाएगा क्योंकि दोहान नदी जयपुर के पहाड़ियों से नीम थाना क्षेत्र से निकलती है, दोहान नदी तो नीम थाना क्षेत्र से, तो सिंपल है कि यहाँ पे शिवालिक की नहीं है, तो फिर हम लोग आंसर देंगे किसको, दोहान नदी जो है इसका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रीना की आयु सुनीता की 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व, इंग्लिश में देखते हैं, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, 3 ईयर एगो 3 साल पहले सी वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज सुनीता, वो सुनीता की 3 गुनी थी, तो अब रीना की आयु क्या होगी। तो मान लेते हैं हम लोग कि रीना जो है एक्स की और सुनीता की मान लेते हैं, सुनीता की 2 गुनी थी तो आप सुनीता को एक्स उम्र मान लेते हैं और रीना फिर 2 गुनी थी तो फिर 2x हो गई है। 3 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन लगा देते हैं दोनों के साथ कि ये 3 वर्ष पूर्व हो गई है और अब ये भी 3 वर्ष पूर्व हो गई है, और 3 वर्ष पूर्व में क्या कहा है कि सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, सुनीता वाली कौन सी है एक्स वाली है, एक्स वाली से 3 गुना बड़ी थी, इन एक्स वाली को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बस 3x-9 हो जाएगा बराबर 2x-3 है ही, यहाँ से ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो 3x में से 2 माइनस होंगे तो x बचेगा, माइनस का 9 दूसरी साइड जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस का 9 जब दूसरी साइड जाएगा तो 6 बचेगा, x की वैल्यू आ गई है 6, और x आपने किसकी उम्र मानी थी सुनीता की, x किसकी उम्र मानी थी सुनीता की, तो रीना की थी 2x, 2x का मतलब रीना की उम्र हो गई है 12, तो पूछी भी किसकी है रीना की। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, कितना बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, देखिए जीके इंडिया जीके से हिस्ट्री से क्वेश्चन, मंत्रिमंडल जो था ना शिवाजी का उसको अष्ट प्रधानों के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे तो 4 आप लोग देख ही पा रहे हैं, 4 अष्ट प्रधानों 8 प्रधानों में से 4 हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण पद था वो था पेशवा का, ये सबसे महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री कहते थे पेशवा को, प्रधानमंत्री जो राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखता था। उसके बाद जो अमात्य और सुमंत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमंत विदेश मंत्रालय यहाँ इनके पास था, यानी ये विदेशी कार्य देखते थे विदेश,
जबकि जो अमात्य हैं ये राजस्व वाले थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, राजस्व था इनके पास, तो राजस्व अमात्य कहलाते थे। पेशवा हमने कर ही लिया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक बार मैं आठों जो अष्ट प्रधान उनके नाम बोल देता हूँ, जो यहाँ पे हैं ही एक दो। तो पेशवा है, सरिय नौबत जो सैन्य प्रधान होते थे, सरिय नौबत जिनके पास सैन्य था, अमाते आय वाले जो करते थे, वाकवानिस्त होते थे सूचना और गुप्तचर वाले, चिटनीस होते थे राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को जो देखते थे, सुमंत विदेश है, पंडित राव जो धार्मिक कार्यों में करते थे, और एक होते थे न्यायाधीश। तो ये आठ अष्ट प्रधान थे शिवाजी के दरबार के, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर से रीजनिंग से पूछा गया है कि अगर रिमोट को ये लिखा जा सकता है तो फिर PNCCC के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो रिमोट को देखो, आर से, तो यहाँ पे आर लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे लेक्स, जो लास्ट ई है वो यहाँ पे है ई। उसके बाद देखेंगे एम है, उसके बाद देखेंगे ई एम के बाद फिर से ई है। तो इसकी सीरीज आप निकाल लेंगे, क्या कोशिश करिएगा कैसे होगा क्या होगा इसका। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ही है, बाकी और कुछ नहीं है। पहले अक्षर को एज इट इज लिखा गया, जैसे आप आर को लिख देते हैं तो वैसे यहाँ पे आप पी को लिख देते हैं। उसके बाद क्या किया गया है कि ओ देखेंगे, आर के बाद ओ टी ई, लास्ट वाले तीनों को लिखा गया है ओ टी ई। तो यहाँ पे आप लास्ट वाले तीनों को अगर लिख दें ICC, लास्ट वाले तीन यही है ना ICC, तो पी के बाद ICC यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये यहाँ पे नहीं काम करेगा। यानी पहले दो ही यहाँ पे हैं, जैसे कि आर के बाद लास्ट वाले अगर हम देखें तो ओ टी, सेक लास्ट को छोड़ के ओ टी यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ पे ओ टी है, ये अगर इस तरीके से ओ टी है तो फिर यहाँ पर यहाँ पे ICC लिख देते हैं ICC। उसके बाद देखेंगे कि क्या लिखा गया, ओ टी के बाद ई लिखा गया, ये लास्ट वाला ई तो हो नहीं सकता क्योंकि CC तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये हो सकता है सेकेंड टर्म पे जो है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म पे एन है तो हम लोग एन लिख देते हैं। और उसके बाद क्या बचा, एम और ई, जो यहाँ पे एम और ई है, यहाँ पे क्या बचा है आई और सी, तो आई और सी इस तरीके से ऑप्शन जो है पिकनिक, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। तो लोकसभा के स्पीकर, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या उपराष्ट्रपति। तो एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय करने का अंतिम अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा, लोकसभा के स्पीकर के पास होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए यहां से सही आंसर होगा। कांग्रेस के लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अरे बहुत लाजवाब, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा है। यानी यहाँ से पता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पूछा गया है कि 1885 से INC की कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद हुए थे प्रत्येक साल जो अधिवेशन कांग्रेस के, उनमें से एक था लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा अधिवेशन गाँव में हुआ था, कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ऐसे से, या महात्मा गांधी अध्यक्ष थे सॉरी जिसके, तो ये ऐसे ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वो 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके इस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य बनाया था 1929। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले आठ अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को कुछ नहीं, एक वर्ड याद करना है, बकमई और बकनई, ये पहले आठ अधिवेशन है बकनई। हालांकि कभी कभार एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इंडिया जीके में करते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, फिर कोलकाता में हुआ था, फिर कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर नागपुर में, फिर इलाहाबाद में, ये पहले आठ अधिवेशन थे। और उसके बाद वो पहला अधिवेशन हुआ था जो भारत से बाहर, अब के भारत से बाहर हुआ था। तो बकमई बक नहीं, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद, तो ये पहले शुरुआत के आठ थे। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश किस वंश का राजा था, तो भाई इल्तुतमिश जो है लोदी वंश का था, गुलाम वंश का था, तुगलक वंश या मुगल वंश, तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जिसने इकता प्रथा का प्रचलन किया था, इसी इकता प्रथा को खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, इसी इकता प्रथा को तुगलक वंश के शासक फिरोजशाह तुगलक ने फिर से शुरू कर दिया था। तो गुलाम वंश का शासक था कौन, इल्तुतमिश। लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोदी ने, किसने करी थी, बहलोल लोदी ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी, गयासुद्दीन
तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक। और मुगल वंश का संस्थापक जाना जाता है किसको, बाबर को, जिसने 1526 की लड़ाई में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। संविधान सभा के अंतरिम सभापति जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या लास्ट ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। तो अंतरिम जो बनी थी 1946 में, अंतरिम सभापति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, अंतरिम थे, अंतरिम थे वो, जो पहली जो सभा हुई थी उसमें जो अध्यक्ष बने थे, सभापति बने थे। तो दोस्तों 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी जिसमें, जिसमें क्या हुआ था, और ये हुई कहाँ थी, दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर में, पुस्तकालय भवन में हुई थी। सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें इनका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ठीक दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाहर अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो प्रोफेसर जी डी एच कोले के द्वारा ये कहा गया था, प्रोफेसर जी डी एच कोले के द्वारा कहा गया था। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेज टू पर्सनैलिटीज, सेड बाय प्रोफेसर जी डी एच कोले। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किस की स्मृति में मनाता है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, 23 सितंबर को हरियाणा में मनाया जाता है शहीदी दिवस, राव तुलाराम, बहादुर शाह, राजा नाहर सिंह या नूर मोहम्मद खान। तो कितना आसान हो गया है, राव तुलाराम, राव तुलाराम की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हरियाणा में मनाया जाता है शहीदी दिवस। अब है मैथ से क्वेश्चन और इसकी करनी है भाई कैलकुलेशन और निकालनी है एक्स की वैल्यू, और कर देते हैं 144, इसका पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद 3 है तो हम कर देते हैं यहाँ पे 3 0 और नीचे लिख देते हैं 144 इज इक्वल टू में है 14 पॉइंट, इसका भी कर देते हैं 144 और नीचे हो गया है 10x। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें तो एक्स को ले चलते हैं ऊपर, पहले काट ही लेते हैं यहाँ से 144, इसको एक पे काटेगा, यहाँ पे हो गया है 1000, है ना, 1000 10 ये भी थी और अब ऊपर है 144 और ये एक्स हमारा चला ऊपर और अब काटेगा 1 2 3 से यहाँ लगी और पॉइंट के बाद 2 10 और आएगा, यानी ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर। अगला है असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है। तो असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज की धारा 191 में उल्लेखित है भाई, धारा 191 में। एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र तो मेरा भाई हुआ तो मेरे पिता का पुत्र है, तो वह तस्वीर किसकी है, उसकी अपनी है। तो उसने कहा भी है कि उसका कोई भाई और बहन नहीं है लेकिन उसने ये कह दिया है कि वो उसके पिता का पुत्र है, तो सीधी सी बात है वो तस्वीर उसकी अपनी है, भाई और बहन तो है ही नहीं उसका, क्योंकि मेरे पिता का पुत्र मेरा क्या होगा, भाई होगा, लेकिन कहा है कि कोई भाई या बहन नहीं है तो फिर वो तस्वीर उसकी अपनी है। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में यमुनानगर में और यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी से पेपर और प्रश्न ना पूछा जाए ये नहीं हो सकता, कभी पूछेगा कि हरियाणा में पूर्व दिशा में, पूर्व में सीमा बनाती है यूपी के साथ, कितने किलोमीटर लंबी बहती है, इतने किलोमीटर, किस जिले में जाती है, ये यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बहती है, कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर से प्रवेश करती है। तो कितने अनगिनत सवाल यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर से है कि एमएस एक्सेल ए वर्कशीट आल्सो नोन एज, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे स्प्रेड शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रेड शीट कहते हैं, जिसमें सारणी है और आप आंकड़े को प्रविष्ट कर सकते हैं उसमें। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, बताइए, बहुत गजब का क्वेश्चन हो गया है कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ, किस देश के साथ किया है भागीदारी, इजराइल के साथ भागीदारी की है भाई। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है करनाल में, MHU, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किस जिले में है, तो ये भी करनाल में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पे है, तो ये भी करनाल में है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी है, तो प्रत्येक समिति का पदेन सचिव को कौन होता है या कौन होना चाहिए,
तो प्रत्येक पदेन समिति का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? अभी आयुक्त होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, कार्यपाल अधिकारी होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, तो कौन? आयुक्त होना चाहिए। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स? थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, पर क्वालिटी ऐसी ही मिली मुझे पेपर की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को कम से कम 360 क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आप लोगों को दिखेगा। तो भूकंप की तरंगों को किस में मापा जाता है भाई? बैरोग्राफ, एनिमोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड। तो विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और रिएक्टर स्केल वो पैमाना है जिसपे दिखाया जाता है मैग्नीट्यूड कि कितना है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ये पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, और प्रत्येक में कितने होने चाहिए? तो 10 होने चाहिए। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे छोटी भिन्न का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? तो या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कि पहले बात सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है, फिर आप लोग उनका निकाल सकते हैं डिफरेंस। कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पता करेंगे पहले सबसे छोटी कौन है। 2/3 में कितना होगा? 20.6 पर जाती है। ये कितना होगा? 30, 4 7 28.7 होता है। ये कितना होगा? 5 8 40 60 पे जा रहा है। ये कितना होगा? 6 8 48, और फिर 2 बचता है, यानी ये वाली तो है सबसे बड़ी 5/6, ये वाली है सबसे छोटी 2/3। दोनों का निकालेंगे अंतर, 6 आया एलसीएम 5 और ये कटा 4 पे, 1/6 होगा अंतर। डिफरेंस कितना होगा बड़ी और छोटी में? 1/6। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम तो पूछा ही जाता है, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, तो कोरम कितना होना चाहिए उस समय के लिए? वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3। कितना भाई? सेवारत सदस्यों का 1/3, यानी ऑप्शन ए। एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक तथा तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। ए इज ए मिनी कैलेंडर फ्रॉम विच डाटा एंट्री क्लर्क कैन इंटर ए डेट। किससे भी, टेक्स्ट बुक से, कॉम्बो बॉक्स से, डेट पिक्चर से, डेट पिकर से और फॉर्म से। तो किससे कर सकते हैं? डेट पिकर, एक छोटा मिनी कैलेंडर कहलाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा जो चैप्टर है वो जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है, तो भाई कौन सा चैप्टर है ये आप बताइए, पंचायती राज अधिनियम का है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, क्या पूछा गया है कि 105/85, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, तो सी के स्थान पर क्या आएगा? तो पूछा है कि सी के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। आसानी से निकलने वाला नहीं है ये क्वेश्चन रीजनिंग में, पर एक चीज है कि 4.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8.5 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 1 माइनस कर दिया। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 15 हो गया और 15 में से 1 माइनस कर दिया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 1 माइनस। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 1 माइनस, 27 × 54 में से 1 गया 53। 53 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 106 और फिर कर दिया 1 माइनस 105। यानी अब आप इसी सीक्वेंस में चलें, यानी 85 में आप माने 86, 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 43। 43 में माने आप 44, क्योंकि माइनस 1 है ना, तो प्लस करके आधा करते हैं। 44 में आधा करेंगे कितना आएगा? 22। 22 में एक ऐड करते हैं 23। 23 का आधा कितना हो जाएगा? 11.5, यानी 11.5 होगा सी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम का है अगला प्रश्न और 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए प्लस बी 5 दिया हो तो 3a + 2b 20 है, तो 3a + b का मान क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, ए प्लस बी 5 है, तो यहाँ पे आप चाहे तो ए के कोफिशियंट को बराबर कर लें, चाहे बी को कर लें। अगर आप ए को करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 हो गया, और यहाँ पर आप लिखते हैं 3a + 2b = 20। तो माइनस का साइन चेंज करते हैं इक्वल के बाद, 3a + 3a माइनस कट गया, 3b - 2b कितने भी बचे? 1। 15 - 20 कितना बचा है यहाँ पे? माइनस का 5 बचा है, 15 में से 20। यहाँ पे आप आइए b की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, मान लो तो ये a हो गया है, b की जगह -5 = 5 है, ये माइनस का 5 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a की वैल्यू 10 यहाँ पुट करेंगे, a की जगह 10, तो 10 ये हो जाएगा 30। बी की जगह पुट करेंगे -5, 30 में से 5 चले जाएंगे, तो आंसर दे जाएगा 25। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 25 आंसर इसका हो जाएगा। क्या ऐसा ही होगा?
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था? बल्लभगढ़ का शासक था भाई, जिसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे, राजा प्रथु, यादविंदर सिंह, राजा नाहर सिंह। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, राजा नाहर सिंह आएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, अब लास्ट टाइम मैंने स्टेडियम सारे बताए थे आपको पेपर में, क्योंकि पूछे जाते हैं, तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम बताइए कहाँ पे है, किस जिले में है राजा नाहर सिंह स्टेडियम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब लागू हुआ था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, किस वर्ष किया गया था, 22 मई 1993, 22 मई 1994, या फिर 22 अप्रैल 1994, किस वर्ष किया गया था भाई? तो 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994 ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आज ही हम लोगों ने साहित्य से क्वेश्चन करे, और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें साहित्य से क्वेश्चन ना पूछा जाए हरियाणा में, एसएससी में। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? कालिदास, मुंशीदास, तुलसीदास, या फिर प्रेमदास। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा किसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था? देखिए दोस्तों आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन भी किया है, तो किसे घोषित किया गया था? तेलुगु, तमिल भाषा में, तमिल को जो है क्या किया गया था भाई, दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था, और पंजाबी को जो है अब 2010 से, 2010 में पंजाबी को जो है दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था, पंजाबी भाषा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। हिंदी को, मैंने ये भी बताया था, हिंदी को जो है पत्राचार की भाषा बनाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं भाई साहित्य से, हरियाणा वाले से, जो जो आज की क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले तो कुछ बदलाव अगर हुए नहीं है तो 93 तहसीलें हैं। कितनी तहसील हैं? 93 तहसील हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में, तो 93 हैं, आप लोगों को पता है 93 तहसील हैं। अगला है कि रूट 625 डिवाइड बाई 11 इंटू 14/25 रूट और इंटू में 11 ये है, तो 11 से 11 काट देते हैं आप। उसके बाद देखिएगा 196 रूट का मतलब ही तो 14 है, यानी 14 से 14 कट गया। 625 का कितना आता है भाई? 25 आता है। 625 का कितना आता है? 25। और रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। 5 इस 25 को काटेगा 5 पे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो त्यौहार भी इंपॉर्टेंट है, और किस त्यौहार को मनाते हैं? तीज। क्या ऑप्शन सही होगा? वर्षा, ये तो आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, छोड़िए बताइए। वर्षा ऋतु स्वागत करने के लिए हरियाणा में गणगौर, बैसाखी और तीज में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1957 में, 1973 में, 1952 में, या फिर 1959 में? तो भारत में पंचायती राज 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी एचपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। एचपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद है, यदि वाई इज इक्वल टू 5 है और 10 वाई इंटू में रूट ऑफ वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा? वाई की वैल्यू 5 रख के कैलकुलेशन करना है, 10 और वाई की गुणा यहाँ 50 हो जाएगा, वाई की क्यूब करेंगे 125 आएगा, वाई का स्क्वेयर करेंगे 25 आएगा, 100 बचा, और 100 का अनरूट कितना होता है? 10 होता है, 50 और 10 की मल्टीप्लाई 500 आंसर आ जाएगा। नहीं, मैथ के तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? अम्बाला, पानीपत, थारी और गुड़गांव। किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? गुड़गांव को। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बजट में इस बार घोषणा की गई है कि दो और नए स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे, उसमें से एक होगा हिसार और दूसरा होगा पंचकुला, इनको बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी। हिसार और पंचकुला दो नए स्मार्ट सिटी इस बजट 2021 में घोषणा की गई है। IPV6 की लंबाई कितनी होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। IPV6 की लंबाई, IPV होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसकी लंबाई 128 बिट होती है। IPV4 की 132 बिट होती है। IPV4 की कितनी होती है? 132 बिट, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, IPV6 और IPV4। चीनी यात्री हुवेन शांग, अच्छा जुवेन झांग लिखा हुआ है, थानेसर की यात्रा किसके शासन में काल में की थी?
तो ये थोड़ा सा इसको आपको समझना है कि कौन से चीनी यात्री थे। हवेन शांग अक्सर लिखा होता, हवेन शांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऐसे है के नीचे वह लिख के कई बार ऐसा लिखा होता हेन शांग, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है 34 का 15% निकाल ही ला लेंगे हम लोग। 34 का ये हो गया 15%, 5 ने 3 पे, 5 ने काटा 20 पे। अब इसका लगा दिया पॉइंट और ये काटा 1.7 पे, और 1.7 17 51 बन गया 5.1। डायरेक्शन के क्वेश्चन में तो किसी को कोई समस्या आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले बना लेंगे इस तरीके से डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 3 किलोमीटर साउथ में चला, 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, अब इस साइड से दाएं यहाँ हो जाएगा, 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, अब इधर हो गया दाएं और 7 चला, यानी 3 ये वाला क्रॉस कर लिया, ऊपर कितना चला गया 4। अंत में किस दिशा में चला वो? अंत में तो फिर इस हिसाब से वो किस दिशा में चला है बताइए। उत्तर, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो है सी आंसर होना चाहिए, उत्तर दिशा में। राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, ये बात किसने कह दी थी? ये बात कह दी थी किसने भाई? राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। आई थिंक ये अरस्तु ने कही होगी, ऑप्शन बी, क्योंकि इस पेपर के आंसर की तो आई नहीं है और मैंने बेस्ट यहाँ पे कोशिश की है कि सभी क्वेश्चनों को आपका सही आंसर बताऊँ। बाई मिस्टेक हो सकता है कि एक आध गलत हो, लेकिन आप भी इतने समझदार हैं कि आप भी अपने लेवल पर उसको देख सकते हैं और जिसमें मुझे डाउट होगा वो आपको बता ही दूंगा। अरस्तु यहाँ पर होना चाहिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? औसत निकालना है 3 के प्रथम, पहला 3, 6, 9, 12, 15 हम लोग कर लेंगे और 5 से आप लोग भाग कर देंगे। 5 गुणजों का औसत निकालना है, सॉरी ऐड करना है, औसत निकालने के लिए ऐड करना है ना, ऐड करना है 5 गुणज, तो ऐड करेंगे हम लोग पहले इनको, यानी 12 और 15 27, 27 में 3 जोड़े 30, 9 और 6 15, 30 और 15 45, 45 को 5 से करा 9, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू कर दी? बीरबल, राघोबल, राजा टोडरमल। तो दहशाला प्रथा जुड़ी हुई है राजा टोडरमल से, तो राजा टोडरमल है, राजा टोडरमल ने शुरू की थी भाई दहशाला प्रथा। ये अकबर का दीवान था भाई, किसका समकालीन? अकबर का दीवान था ये राजा टोडरमल। और जैसे हमने पढ़े हैं इस पेपर में कि शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, वैसे ही अकबर के 9 रत्न थे, वैसे ही अकबर के कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, जिसमें उसकी जीवनी लिखने वाला अबुल फजल, अकबरनामा ग्रंथ की जिसने रचना की थी, अबुल फजल उसमें शामिल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैजी, तानसेन जो संगीतकार था, तानसेन भी था, बीरबल को आप जानते ही हैं, टोडरमल भी उनमें शामिल था, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह हल्दीघाटी के युद्ध में जिसने सेना का नेतृत्व किया था, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीरुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल रहीम खान खाना तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है पता है क्यों? क्योंकि बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा कौन सी थी? बाबरनामा, आत्मकथा लिखी थी बाबर ने खुद, वो तुर्की में थी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका अनुवाद फारसी में करा था, किस में करा था? फारसी में। और ओरिजिनल जो थी वो किस भाषा में थी? तुर्की में थी, जो बाबरनामा खुद बाबर लिख के गया था, तो वो 9 रत्न में शामिल थे ये सारे, तो इंपॉर्टेंट है, अष्ट प्रधान इंपॉर्टेंट है, वैसे अकबर के 9 रत्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया? देखिए इंटरनेशनली कह लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि भारत से संबंधित ही नहीं है और क्योंकि बहुत करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला है, बहुत गजब का। तो यूएई और बहरीन, यूएई और बहरीन ने 2 पश्चिम एशियाई देश हैं जिन्होंने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, एक डिस्क का वो भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है क्या कहलाता है? भी बूट सेक्टर, क्या कहलाता है? बूट सेक्टर कहलाता है। फिर देखिए हिंदी और इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग पहले यहाँ से हिंदी कर लेते हैं, और ये हिंदी के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बस फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं। हिंदी की क्लास आपने साहित्य से जुड़ी देखी होगी, पंत सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिंदी भाषा का पहला था भाई, चिदंबरा के लिए दिया गया था, चिदंबरा के लिए दिया गया था भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो चिदंबरा के लिए पंत सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। गुलेर जी द्वारा संपादित पत्र क्या था? तो गुलेर जी ने किसका संपादन किया था? समालोचक का। तो गुलेर जी ने किसका संपादन? HP से हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, तो ये समालोचन, नागरी निरत, भारत मित्र या फिर माधुरी,
बताइए किसका किया था भाई गुलेरी जी ने। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप आसानी से इसका बता पाएंगे। समालोचक का किस आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसे माना जाता है भाई आधुनिक हिंदी का? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, और या फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है। पथगति पेखल मो राधा, तखनुक भाव परान भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा, उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है भाई? किस कवि की है? विद्यापति, विद्यापति, मधुकर, प्रेमचंद और कबीर। तो ऑप्शन ए है विद्यापति की ही एक पंक्तियाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पंक्तियाँ चाहे कितनी याद कर लें आप लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रगतिवाद किसकी कृति है भाई? तो प्रगतिवाद पूछा है, प्रगतिवाद बताइए किसकी कृति है? प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की है भाई प्रगतिवाद। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि मूर्धन्य व्यंजन है पै, टै, सै या ए। तो कौन से हैं जो टै से स्टार्ट है, टै, ठै, डै, णै, जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। साकेत की भाषा में किसका अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है? खड़ी बोली, हम तो जानते हैं इसको, तो हम तो ऑप्शन इसका करेंगे ना, और बिल्कुल सही जाएगा फिर हमारा भी ये। तो साकेत की किस भाषा में, और साकेत की भाषा में खड़ी बोली का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा था? तो ये सारे जो हैं भाई कवि हुए थे, ठीक, आचार्य कवि हम लोग कहेंगे इनको। तो उक्ति वैचित्र्य किया था वामन ने, आचार्य वामन ने। तो ऑप्शन डी होगा। बहुत बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ से थे भाई, ये हिंदी में जो पूछे गए थे। नेक्स्ट इंग्लिश में अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सी रोड रफ शोल्ड ओवर द टेनेंट व्हेन सी डिसाइडेड टू सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग द टेनेंट अबाउट हर प्लान्स, शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज। आपको बताना क्या है, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। ईडियम का मीनिंग है, और ईडियम यहाँ तक है रूड रफ शोड अवर, रूड रफ शोड अवर का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पे, रूड रफ शोड का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ घर बेचने की बात हो रही है, सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हर, मतलब उसको बिना बताए घर बेचने की बात हो रही है। तो क्या करा है भाई, मतलब यहाँ से आप क्या निकालेंगे कि शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज ऑफ, मतलब उस कमियाँ हैं, कंसिडर नहीं किया है किसी चीज़ को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर, एरर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, ये वो समय है जब आपने काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, नो एरर, डी ऑप्शन सही होगा। द नोटिस रीड ब्लैंक है, उसके बाद अकोमोडेट लिखा है, ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। द नोटिस में बताया गया है, अकोमोडेट किया गया है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा, उस बेसिस पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, अकोमोडेशन, क्या होगा, अकोमोडेशन। द नोटिस रीड अकोमोडेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और अब ये मत कहिए अकोमोडेशन हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ चुके हैं। अकोमोडेशन का मतलब रहने और ठहरने का निवास स्थान, जो पहले आएगा पहले पाएगा उस बेस पे मिलेगा सबको भाई। नेक्स्ट स्टूडेंट विल गो ऑन एंड, यहाँ पे भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड, एक्सक्यूजन, एक्सक्रूजन, एक्सक्यूर्सन या एक्सक्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई बताइए, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन एक्सक्यूजन यानी ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट गए हैं सैर सपाटे पे यानी घूमने गए हैं सैर सपाटे, सैर सपाटा करना, तो एक्सक्यूजन। बस मीनिंग क्लियर हो, ये सारे अजीब हैं लेकिन एक ऑप्शन होगा जो यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठेगा। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो इसकी वजह से मैच क्या हो गया अभी, मैच कॉल्ड ऑफ, मैच क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ, बंद हो गया, रुक गया, कॉल्ड ऑफ। आई होप यू विल नॉट टर्न ब्लैंक है फिर माई रिक्वेस्ट, आई होप यू विल नॉट टर्न, मेरे रिक्वेस्ट है, मेरी आशा है ऐसी कि तुमने जो मैं रिक्वेस्ट की उस पर नहीं टर्न करोगे यानी नहीं करोगे। तो यहाँ पे ना से संबंधित है, और बताइए क्या होगा, आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, तो तुम मेरी आशा पे खरे उतरोगे, जो जैसा मैंने सोचा ये मेरी आशा है कि जो मैंने रिक्वेस्ट किया वो काम होगा, तुम उस पर नहीं बदलोगे। तो ये था आज का पेपर, और बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं कि कैसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि डेली पेपर प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को बताएगी कहाँ पे कमियाँ हैं, आपकी कमियों को फाइंड आउट करेगी, करने में मदद करेगी, और जो आपसे
उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे कमियाँ रह गई हैं। तो अच्छे इंटरनेशनल करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपने देखे यहाँ से पूछे गए हैं पेपर में, तो कई तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों के पास अपडेट्स आती रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जो है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।